मोदी जी के समय में ऐसा है कि विकास तो हुआ है, सही मोदी जी का कार्यकाल भी ठीक ठाक है। वो दूसरों के लिए समर्पित हैं, देश के लिए समर्पित हैं, अपने लिए उतना समर्पित नहीं है। और ऐसे प्रधानमंत्री को हम फिर चाहेंगे कि हमारे देश में ऐसे कार्यरत प्रधानमंत्री रहे। जनसंख्या के विषय में मुझे कहना है कि जो जनसंख्या पर नियंत्रित मोदी जी करें तो क्या पता उससे आगे विकास हो। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए, हम ट्रैवल करते हैं या फिर ऐसा कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेफ्टी तो है ना, अभी ऐसा लगा नहीं कि कहीं पे भी कोई दिक्कत है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार के अवसर भी मिले हैं, महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म तो मिला है। हम ये मान लें कि भाई दामी जी की सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। जी बिल्कुल हो रही हैं। नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देवभूमि उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और ये उपचुनाव सिर्फ चुनाव नहीं रह गया बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। यही कारण है कि दोनों पार्टियों ने अपना एडी से चोटी तक का जोर इस सीट को जीतने के लिए लगा दिया है। और जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची कवर करने के लिए, क्या कुछ कहती है केदारनाथ की जनता, आप भी सुनिए। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एरिया अभी तक तो सही है। कोई निजी एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि भाई हाँ भाई दामी जी की सरकार में अब महिलाएं सुरक्षित हो गई यहाँ पे? जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी टाइम से जैसे मतलब ट्रैवलिंग है और कोई भी जैसे हम ट्रैवल करते हैं या फिर ऐसा कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेफ्टी तो है ना, अभी ऐसा लगा नहीं कि कहीं पे भी कोई दिक्कत है। कांग्रेस कह रही कि भाई एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया सरकार ने, तो ऐसा आपको लगता है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, जीरो? एकदम जीरो तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज अभी हाल ही में फॉर्म्स वगैरह खुले हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ तो खुली हैं। भले ही जितनी हमें अपेक्षाएं रहती हैं उतनी नहीं हैं, बट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिशें तो की हैं। अच्छा, आप अपने आसपास देखते हैं कुछ ऐसी महिलाओं को अपने घर में पड़ोस में कि जो वोकल फॉर लोकल के लिए काम करती है, मतलब जो अपने खुद से काम करने की कोशिश करती है और उन्हें कहीं ना कहीं सरकार हेल्प कर रही है फाइनेंशियली, तो ये आपको दिखता है ज़मीनी स्तर? जी हाँ, ज़मीनी स्तर पर दिखता तो है, क्योंकि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार के अवसर भी मिले हैं, महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म तो मिला है, बेशक मिला है, इसके लिए तो सरकार के सराहनीय प्रयास रहे हैं। और ज़मीनी स्तर पर भी बिल्कुल हमें दिखता है कि जैसे महिलाओं को समय समय पर मेले वगैरह के ज़रिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो गोष्ठियाँ होती हैं उनके थ्रू उनको एक मंच मिलता है, तो ये सच में सराहनीय काम है सरकार का। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पानी को लेकर जानना चाहूँगी कि लोग सरकार पर विपक्ष ऐसा आरोप था कि भाई धामी जी कमर्शियल पे तो वाटर पे तो लगता ही लगता है टैक्स, लेकिन जो प्राकृतिक स्रोत हैं वहाँ से भी अगर आप पानी लेंगे तो उसमें भी टैक्स लगा रही है सरकार, तो ऐसा है क्या? अगर आप रिसोर्सेज डायरेक्ट पानी ले रहे हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स देना पड़ रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, क्या लगता है पहले की सरकारों की तुलना में और आज की तुलना में धामी जी का काम अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में आपको अलग दिखता है कुछ अलग? जी हाँ बिल्कुल, काम दिखता तो है, क्योंकि देखिए एक होता है ना कि एक्टिव हर जगह पे मतलब उनका रहा है, मतलब हर जगह पे वो दिखते हैं तो एक्टिव रहते हैं, तो वो चीज़ तो दिखती है ना। बाकी ये है कि उनके अगर कार्यों की बात की जाए तो सेटिस्फैक्ट्री तो है। हाँ जी, और पीएम मोदी जी के लिए क्या बोलेंगे आप ही के केदारनाथ से तो उनका एक गहरा लगा जब आते हैं तो कितनी खुशी आपको? हाँ जी, देखिए हर किसी को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है, पर जितने उनके जो प्रयास हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उनका कहीं ना कहीं दूरगामी योजनाएं हैं, तो उनका एक प्रॉफिट हमें हमेशा ही देखने को मिलता है, एक मतलब प्लस साइड, हमेशा पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिलता है। भले ही बहुत सारी जगह पे महंगाई वगैरह को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी रहती है, बट हम ये नहीं करेंगे कि वर्क बिल्कुल नहीं है, तो उनके वर्क से सेटिस्फैक्शन तो हमें है, मतलब चाहे इंटरनेशनल लेवल पे आप बोलिए चाहे नेशनल लेवल पे बोलिए। जी तो हम ये मान लें कि भाई दामी जी की सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं? जी बिल्कुल हो रही हैं। महिलाओं ये इस समय मोदी जी के समय में ऐसा है कि विकास तो हुआ है, वो तो कहने वाली बात है, पर ऊँचे स्तर में हुई है, निम्न स्तर में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी उस चीज़ को नहीं पहचान पाए कि कहाँ तक विकास हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ, ये चीज़ है।
अब मोदी जी का जहाँ तक बात है, उन्होंने तो काफ़ी विकास किया अपनी तरफ से तो पूरा है, पर नीचे निम्न स्तर में जहाँ निम्न स्तर होता है, छोटे कर्मचारी हो या निम्न स्तर के लोग हों, उनमें उतना नहीं हो पाया, जबकि सब चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने पूरी कर रखी है, करी तो पूरी है, विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है, पर जो होना है वो नहीं हो पाया अभी तक। धामी जी की सरकार ने जो बड़ी बड़ी योजनाएं आप महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए, योजना हो गई वोकल फॉर लोकल के लिए, आप तो अपना बिजनेस सेटअप कर सकती हैं सरकार से धनराशि के लेके, तो क्या लगता है? क्योंकि आप, मैं सोचती हूँ कि उस विषय में कि धनराशि का उतना महत्व नहीं है जितना शिक्षा का है। सबसे पहले जब शिक्षा होगा, हर बच्चा पढ़ेगा, चाहे निम्न बच्चा है वो भी अगर आईपीएस ऑफिसर बन जाए या डीएम बन जाए, उसके लिए भी सुविधाएं हो, जो उच्च स्तर पर है वो निम्न स्तर के बच्चों के भी लिए हो जाए, तो सबसे बड़ी बात वही है। और जो महिलाओं अपना खुद का काम खोल सके, इसके लिए जो योजनाएं, तो वो और भी अच्छी बात है, महिलाएँ अपना बिजनेस करें, अपनी योजनाएँ खोलें, वो तो उसके लिए तो और भी अच्छी बात है कि अगर महिलाएँ इस चीज़ में आगे बढ़ें। हमारे देश में महिलाएं क्यों नहीं है, लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन हैं, वहाँ सब कुछ हैं, तो हर चीज़ हर क्षेत्र में महिलाएं भी कार्य कर रही हैं, तो उसके लिए महिलाओं के योगदान के लिए भी मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। इतनी मुख्यमंत्रियों में से आपको कौन सा मुख्यमंत्री आपको लगा कि ठीक काम कर रहा है आपके प्रदेश में? हमारे प्रदेश में तो मुख्यमंत्री तो हरीश रावत रहे, त्रिवेंद्र सिंह रावत बने, फिर वो रहे, पर ये पुष्कर सिंह धामी का कार्य तो ठीक ठाक है, और उसके लिए तो मना भी नहीं किया जा सकता है, काफ़ी प्रयासरत है वो। आप लोगों के बीच में एक्टिव हैं? मैंने तो नहीं देखा, सॉरी, इसमें तो मुझे जाने का मौका भी नहीं मिला और मिले भी नहीं, किंतु सुना है कि उनका कार्यकाल सही है, कर रहे हैं, बाकी तो सब सामान्य है बस। वो तो पीएम मोदी जो है वो तो देश के लिए एक नया वो है, जैसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कार्य किया, और ये क्या कहते हैं उनको, उनके बाद कौन रहे वो, मैं भूल गई उनका नाम इस समय, जिन्होंने किसान वो किया था अन्न उपजा है, लाल बहादुर शास्त्री, वो अच्छे रहे, तो ऐसे ही मोदी जी का कार्यकाल भी ठीक ठाक है, वो दूसरों के लिए समर्पित हैं, देश के लिए समर्पित हैं, अपने लिए उतना समर्पित नहीं है, और ऐसे प्रधानमंत्री को हम फिर चाहेंगे कि हमारे देश में ऐसे कार्यरत प्रधानमंत्री रहें। राहुल गांधी अभी उनका तो वो नहीं, उतना नहीं कर पाएंगे ना वो, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम में था थोड़ा, उन्होंने किया था हैं, पर वो ऐसा नहीं बन पाए। एक चीज़ और है कि जनसंख्या के विषय में मुझे कहना है कि जो जनसंख्या पर नियंत्रित मोदी जी करें तो क्या पता उससे आगे विकास हो। जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि हर घर में बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, उनके लिए उतना रोजगार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अपने आप हुआ बेरोजगारी, यही है, यही कहना मुझे बार की, धन्यवाद। केदारनाथ की माताएं बहनें मानती हैं कि वो धामी सरकार में सुरक्षित हैं, जितनी सुरक्षित वो इस सरकार में, शायद पिछली सरकारों में सुरक्षित वो नहीं थी। लेकिन साथ ही साथ वहां की माताओं ने एक और मांग की, और वो मांग की जनसंख्या नियंत्रण करने की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका दोहन हो रहा है और वो जल्द ही खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां वाटर लेवल इतना नीचे पहुंच गया कि आने वाले दिनों में वहां पानी की कमी हो सकती है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना सरकार के लिए जरूरी है, जिसकी मांग मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से वहां की माताएं बहनें कर रही हैं। तो अब मोदी सरकार को भी, प्रधानमंत्री मोदी को भी इस तरफ, इस मांग पर ध्यान देकर कुछ ना कुछ तो आदेश देने की जरूरत है। बाकी उत्तराखंड की केदारनाथ से ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट कर में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।